हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखना। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोग को जल्दी से देने की कोशिश करूंगा आसाम टेट के बारे में। तो आसाम टेट का जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर बहुत जो है प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पास अगर बीएड और डीएलईडी नहीं है तो क्या आप आसाम टेट में जो है अप्लाई कर सकते हो या नहीं, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोगों के मन में। और आप अगर 12th पास है तो क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, छोटा सा वीडियो है। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा देना, नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए, क्या अपडेट है इसके बारे में मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको एंड में जो है ऑफिशियल नोटिस जो आया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आसाम टेट का जो क्वालिफिकेशन है नीचे, यहाँ पे देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर टीचर ऑफ एलपी लोअर प्राइमरी का टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज और हर क्लास 12th एजुकेशन फ्रॉम ए स्कूल ऑफ ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। और उसमें जो अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 45% मार्क्स की दरकार है। और क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर ऑफ अपर प्राइमरी, अभी देखिए पहले मस्ट हैव कंप्लीटेड इन सर 12th एजुकेशन, द एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 45 मार्क्स चाहिए अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हो। द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज और हर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट रिसीव्ड यूजीसी रिकॉग्निशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर 50% मार्क ऑन एग्रीगेट, ये भी देखिए द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए 2 ईयर बीएड बैचलर एजुकेशन ड्यूरिंग हिज हर ग्रेजुएशन, और जो है डीएलईडी या फिर नीचे एक ऑप्शन में जो है डीएलईडी आपको चाहिए। तो मैं ऊपर का जो लोअर प्राइमरी के क्वालिफिकेशन, टीचर का जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करूँगा। ये भी देखिए या फिर बीएड और डीएलईडी का कोई जो है कोर्स को जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपका बीएड चाहिए या डीएलईडी का रिक्रूटमेंट है। तो मैं आपको आप जो है ऑफिशियल जो नोटिस है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये टेट का जो है ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे जाके जो क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, ये भी देखिए द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द टेट एग्जाम विल बी एज पर एनसीटीई फॉर्म्स। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बताया गया है कि अगर आपके पास बीएड और या डीएलईडी है तो आपको दे सकते हो, या आपके पास अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जो अभी आप लोग देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिस के द्वारा नहीं बताया गया, ये ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है इसके बारे में। तो आप लोग को ये जो है डाउट अभी तक क्लियर नहीं होगा जब तक ऑफिशियली नोटिस जो है इसके बारे में नहीं आता है। तो अगर आपके पास बीएड और डीएलईडी नहीं है तो आप दे सकते हो या नहीं, ये अभी तक जब तक जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तो आपका ये बात जो है क्लियर नहीं होगा। तो इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इस चैनल पे देने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लेना। तो आज की वीडियो में ही था, कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।